हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रोफिट ऐप से अपनी वॉच को कनेक्ट करोगे। तो गाइस, प्रोफिट ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूं कि आपको कैसे प्रोफिट ऐप से कनेक्ट करना है। तो आपको प्रोफिट ऐप से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ऐप स्टोर में जाना है आईफोन में। तो आपको आज ये बताऊंगा कि आप आईफोन से कैसे कनेक्ट करोगे। तो आपको सर्च करना है प्रोफिट ऐप। तो प्रोफिट ऐप आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको सेकंड में मिल जाएगा प्रोफिट ऐप। तो प्रोफिट ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया था, तो यहाँ प्रोफिट ऐप आ चुका है। तो अब मैं ओपन करूँगा प्रोफिट ऐप को। तो प्रोफिट ऐप को आपको एक्सेस देनी पड़ेगी ब्लूटूथ की और नोटिफिकेशन की एक्सेस देनी पड़ेगी प्रोफिट ऐप को। प्रोफिट ऐप के लिए अब आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। आईफोन में ब्लूटूथ ही ऑन करना पड़ता है, एंड्रॉयड में लोकेशन भी ऑन करना पड़ता है। तो अब प्रोफिट ऐप खुल चुका है। अब मैं आप कनेक्शन के पेज पे जाऊंगा तो आप देखोगे तो अभी ये सर्च करेगा वॉच को। तो प्रोफिट ऐप में अब आप देखोगे तो वॉच अल्ट्रा आ चुकी है। तो मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा वॉच अल्ट्रा को। तो प्रोफिट ऐप लोकेशन की भी एक्सेस लेगा, तो आपको हमेशा के लिए उसको अलाउ करना है। और ब्लूटूथ से भी पेयर होगा तो ब्लूटूथ से भी पेयर कर लेना है। और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन की भी एक्सेस देनी है। तो अब आप देखोगे तो ये होम पेज है प्रोफिट ऐप का। वैसे प्रोफिट ऐप की रेटिंग कुछ खास नहीं है। तो आप देखोगे तो यहाँ पूरा स्टेप्स आएगी, कैलोरीज आएगी, और अब यहाँ जो कनेक्शन का ऑप्शन है वो हट जाएगा और आपको डायरेक्ट एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो अब आप देखोगे तो वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब ये फाइंड हो चुका है। तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो और आप अपनी एज और ये सब डाल सकते हो, इसमें सब फिल कर सकते हो और स्टेप का टारगेट भी रख सकते हो कि आपको कितने स्टेप्स लेने हैं। और जो शेक टू फोटो ये वाला जो फीचर है ये इसमें काम नहीं करता है वॉच में। एक्चुअली वॉच रिस्पॉन्स नहीं करती है जब ये मैं फीचर ऑन करता हूँ। अलार्म आप इसमें लगा सकते हो कि आपको अलार्म अगर सेट करना है तो अलार्म लगा सकते हो। आप यहाँ से टाइम ऐड कर सकते हो और कितने बजे का अलार्म चाहिए, कौन से डे पे चाहिए, तो ये आपको रिमाइंड करेगा। पर एक्चुअली ये भी एक्यूरेट नहीं, क्योंकि एएम पीएम में कितने बार वॉच गलत टाइम पे रिमाइंड कर देती है और वॉच की रिंग बजने लग जाती है। फिर आप सेटिंग रिमाइंडर ऑन कर सकते हो। सेटिंग रिमाइंडर थोड़ा एक्यूरेट होता है क्योंकि सेटिंग रिमाइंडर एवरी 60 मिनट्स या 30 मिनट्स आप रख सकते हो। और ये वाला फीचर काफ़ी अच्छा है कि अगर आप वॉच को ऊपर लोगे ऐसे, बस वॉच का डिस्प्ले ऐसा ऊपर लोगे तो वॉच का डिस्प्ले खुद ऑन हो जाता है। पर ये फीचर भी प्रॉपर वर्क नहीं करता है। और अगर कोई दूसरी वॉच होती तो अब तक उसका डिस्प्ले ऑन हो जाता। पर ये फीचर इसलिए है कि आप अपनी वॉच का डिस्प्ले ऑन कर सकते हो, ऐप्स में नोटिफिकेशन ले सकते हो इनकमिंग और अदर मैसेजेस की, और वेदर भी आप अपडेट कर सकते हो। आप वेदर ऑन करोगे तो अपडेट होगा वॉच में। और बैंड सेटिंग्स में से आप वॉलपेपर्स डाल सकते हो अपनी वॉच में। तो यहाँ आप अलग अलग वॉलपेपर चूज करके सेट कर सकते हो अपनी वॉच में। तो आप जैसे ही अपलोड पर क्लिक करोगे वॉच में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाजू में कस्टम वॉलपेपर है जो कि आप अपनी गैलरी से भी डाल सकते हो। तो कस्टम वॉलपेपर भी डाल सकते हो और जो ऐप के वॉलपेपर है वो भी डाल सकते हो। बैंड सेटिंग्स में कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो, तो नंबर शो नहीं होगा, कॉन्टैक्ट शो होगा। आप जैसे ही कॉन्टैक्ट ऐड पर क्लिक करोगे आप नेम और नंबर डाल सकते हो। और अदर में आप वाइब्रेशन ऑन रख सकते हो वॉच में। अबाउट सेटिंग्स में आपको उसका QR कोड मिल जाएगा ऐप का, प्रोफिट ऐप का, और रीसेट कर सकते हो वॉच को, डिस्कनेक्ट कर सकते हो और वॉच का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर सकते हो जो कि ऑलरेडी अपडेटेड है। तो गाइज ये थे पूरे फीचर प्रोफिट ऐप के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।